ठीक है। सो हुआ क्या कि भाई अगर मान लीजिए कि भाई प्रोटीन होता क्या है, तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो आपकी मसल्स वगैरह होती है ना, हाथ में जो मसल्स होता है, और मसल्स में भी आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन अब आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए ये जो प्रोटीन देख रहे हो आप लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ यस प्रोटीन, यानी अगर आप प्रोटीन का क्या करते हो भैया, हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो बताइए, हाइड्रो, हाइड्रोलिसिस तो आपको क्या मिलेगा, पेप्टाइड मिलेगा। क्या पेप्टाइड मिलेगा, पेप्टाइड। एक पेप्टाइड कैसा है है, भाई, एमाइड कंपाउंड है, कैसा बताइए, एमाइड। अमाइड अमाइड कंपाउंड। का मतलब, पेप्टाइड का मतलब ये हो गया कार्बोनिल, और इससे क्या जुड़ा होना चाहिए, एन, नाइट्रोजन, और मान लीजिए एच, और इधर कुछ ना कुछ जुड़ा होना चाहिए। तो ये वाली जो लिंकेज दिख रही है ना, कार्बोनिल से एनएच नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोल देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है आप लोगों के स्कूल वगैरह में, यस सब सर, यस ने पढ़ लिया है, हेलो सब ने, फिर सर, तो यस सर, हम स्पीड में चल सकते हैं ना। हाँ जी, यस सर, यस सर। चलिए देखिएगा, तो अब क्या हुआ, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पेप्टाइड मिलेगा, और जब पेप्टाइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, बताइए पेप्टाइड का क्या करोगे, हाइड्रो हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्शन करवाओगे, तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए, अल्फा अल्फा अमीनो अमीनो एसिड। एसिड। मोस्टली जितने भी ऑल नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं या ऑल नेचुरल एसिड्स होते हैं ना, वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बताइए, एल फॉर्म में। किस फॉर्म में बताइए, एल फॉर्म में, एल्फोन, टी फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते। जितने भी नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ये प्रोटीन वगैरह मसल्स वगैरह में होता है, और भी बहुत जगह हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि इसको इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे हमारे ह्यूमंस के लिए, इनकी एक बात अगर देखोगे तो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट का मतलब कि भाई मान लीजिए कोई हमारे बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है, मान लीजिए कि ब्लड में ब्लड का शुगर होना, शुगर का लेवल बढ़ गया, शुगर का लेवल घट गया, वो भी एक क्या होता है बताइए, प्रोटीन का ही वर्क फंक्शन है। तो ये आपकी लाइफ को वेल बैलेंस करता है प्रोटीन। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ना, हार्मोन प्रोटीन वर्क एज मैसेंजर, कैसे काम करते हैं बताइए, मैसेंजर एज की तरह। मैसेंजर की तरह। दूसरा देखिएगा, इंसुलिन जो है ये भी क्या है आपका, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर फिलहाल के लिए भी प्रोटीन प्रोटीन ही समझिए, ये क्या है, एक इंसुलिन, एक क्या है बताइए, प्रोटीन है। प्रोटीन डन गाइस, क्या है ये, प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या कर देता है, मेंटेन शुगर लेवल इन ब्लड। ब्लड क्या करो, देखो अगर मान लीजिए कि इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई, क्या हो गई बताइए, इंसुलिन एफिशिएंसी, डिफिशियंसी, तो बताइए शुगर लेवल क्या हो जाएगा, शुगर लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड। समझ गए आप लोग, क्या हो यस जाएगा सर, बताइए, ब्लड में इंक्रीजर शुगर लेवल लेवल बढ़ आपका जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी बताइए, डायबिटीज, डायबिटीज, आप शुगर बोल सकते हो चाहे डाय। डन गाइस, क्लियर हो गया इतना। यस दूसरा, हीमोग्लोबिन सर, भी क्या है, कोई बताएगा मुझे, ये भी वंस अगेन प्रोटीन, प्रोटीन और ये क्या करता है भाई, हमारे क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन बॉडी, जहां जहां आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की नीड होती है वहां पर ये प्रोवाइड करवाता है। डन गाइस, क्लियर। डन सर, यस चलिए, फाइब्रस प्रोटीन की बात करोगे, सच एज एक्टिन या मायोसिन, फाउंड इन मसल्स, तो मसल्स में भी ये आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो कि वहां पे पाए जाते हैं। क्या मसल्स में, कौन कौन से, एक्टिन या फिर मायोसिन पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटीन्स बेसिकली होता क्या है, इसका डेफिनेशंस आप लोग समझोगे। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों को पता है कि भाई पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर बताइए, पॉलीमर क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल से छोटे छोटे यूनिट को मिला करके एक बहुत बड़ा चेन बनती जाती है, उसको हम यस लोग क्या बोलते सर, हैं यस बताइए, सर, पॉलीमर, पॉलीमर, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर बोलते पॉलीमर, हैं। वैसे ही यहाँ पर किसकी लंबी चेन बनती जाती है बताइए, एमिनो अमीनो एसिड्स, एसिड एसिड्स, की, अमीनो एसिड। अब मैं इसको ए ए लिख दूँ, यस ए सर,
एमिनो एसिड की एक बहुत लंबी चेन बनती जाएगी। और ये जो लंबी चेन बन रही है दोस्त, ये लंबी चेन को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए, इसको क्या प्रोटीन बोलते हो प्रोटीन बताइए, प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन और फर्दर इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि भाई कौन सा प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन है वो बताए। ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रोटीन में नाइट्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, यस सर क्या रहा है प्रोटीन में आपका? नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड बेसिकली होता है। तो देखिएगा, प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, दे आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिकुलर मासेस रेंजिंग अबाउट 6,000 टू अप्रोक्सीमेटली 10 लाख 1 मिलियन मॉलिकुलर वेट। बताइए प्रोटीन है क्या? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस का मतलब क्या कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे और उसका मॉलिक्यूलर वेट 6,000 से लेकर के 10 लाख तक होगा। समझ गए? यस सर और ये क्या है, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एक्चुअली पॉली एमाइड्स है। बताइए अगर मान लीजिए कि एक एमिनो एसिड और ये एमिनो एसिड जुड़ता है तो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है बताइए, एमाइड लिंकेज पेप्टाइड से। हाँ, पेप्टाइड इसी एमाइड लिंकेज को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज बोलिए चाहे बॉन्ड बोलिए, ठीक है दोस्त। यस सर और यस सर बताइए, एक ही एमिनो एसिड नहीं, बहुत सारे एमिनो एसिड कंबाइन होते रहते हैं और क्या बनाता है, बताइए क्या बनाता है वो, पेप्टाइड लिंकेज समझ गए? तो क्या मैं एक्चुअली में उसको बोल सकता हूँ एक्चुअली ये कंपाउंड क्या है, पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं? सो यस सर यहाँ पे देखिएगा, मेड ऑफ, अच्छा मेरा वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? तो यस क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, हेलो, दिखाई दे रहा है। अब मैं पिन कर लेता हूँ, मैं वही सोच रहा था मैक कहाँ हो जाए, ऑप्टिमाइज थंबनेल मिनिमाइज टू फुल स्क्रीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा वीडियो कहाँ गायब हो जा रहा है। सर आपको नहीं दिख रहा है ना, बट हमें दिख दिख गया रहा दिख है। गया दिख गया, ठीक है दोस्त, अभी दिख रहा है मुझे भी, आप लोगों को भी दिख रहा है मेरा वीडियो। यस सर चलिए, सो अब हुआ क्या कि भाई ये देखिएगा, मेड अप ऑफ लिंकिंग टुगेदर वेरियस कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ मेनी सिंपलर मोनोमेरिक अल्फा एमिनो, बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड जो है कंबाइन होते 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 बहुत लंबी चेन बनाती है, एटलीस्ट उसका मॉलिक्यूलर वेट 6,000 से लेके 10 लाख के बीच में होना चाहिए और वो बेसिकली एमाइड्स है, ठीक है, एमाइड बोलिए चाहे पेप्टाइड बोलिए, बात एक ही है फिलहाल के लिए। तो अब हम बात करते हैं भाई, हमारा ये जो प्रोटीन था ये तो थोड़ा बहुत मसला हमारा सॉल्व हो गया कि भाई क्या होता है ये, यहाँ पर भी आपको अल्फा एमिनो समझ में आ गया था। तो मैं ये कहूँ कि सर हमारा जो प्रोटीन है उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा पेप्टाइड, क्या मिलेगा बताइए, पेप्टाइड पेप्टाइड और पेप्टाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा अल्फा अमीनो एसिड एमिनो। अब एक बात बताओ आप लोग भाई, पेप्टाइड किससे मिलके बना हुआ है, अल्फा पेप्टाइड, सॉरी पेप्टाइड किससे मिलके बना हुआ है, अल्फा एमिनो एसिड अल्फा से। आप अमीनो एसिड से पेप्टाइड बताइए कि प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है, पेप्टाइड, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अल्फा एमिनो एसिड से प्रोटीन मिलके बना हुआ, है। समझ गए ना? यस सर चलिए, सो अब बात करते हैं कि मेन जो इम्पोर्टेंस है वो एमिनो एसिड का ही इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हम एमिनो एसिड को डिस्कस करेंगे। दोस्तों सब लोग सुन रहे हो, कान खोल के इधर आ जाओ। चलो भाई, एमिनो एसिड सर होता क्या है, देखिए एमिनो एसिड होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि देखो सर सुनो, अगर मेरे पास क्या है बताइए, कोई कार्बन है बताइए, क्या है ये, कार्बन है, कार्बन ठीक है, इसी कार्बन से, ध्यान से सुनिएगा, इसी कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए बताइए, NH2, कौन सा ग्रुप, अमाइन ग्रुप, अमाइन अमाइन, और इसी से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ना चाहिए, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आने के बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल बोलिए चाहे कार्बोक्सिलिक,
कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए? बताइए एक ही कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसी कार्बन से एमाइन जुड़ा होना चाहिए, और उसे एक हाइड्रोजन, और इधर कहीं कौन सा जुड़ा होना चाहिए बताइए, अल्काइल ग्रुप। ये इस इसकी जगह पे क्या हो सकता है बताइए दोस्तों, ये आपका एल्काइल हो सकता है, और ये चाहो तो क्या हो सकता है बताइए, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, बताइए कौन सा, एल्काइल ग्रुप क्लियर हो गया, बेंजीन हो सकता है, मतलब आर की जगह कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है, पोलर नॉन पोलर ग्रुप, क्लियर हो गया दोस्तों। भाई एमिनो एसिड क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि देखो सर यहाँ पर जो है ना एक ही कार्बन है, इस कार्बन से क्या, इस कार्बन से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो, और इसी कार्बन से बताइए, इसी कार्बन से, अब स्ट्रक्चर समझाता हूँ, देखिएगा, देखिए ये क्या इसको कार्बोक्सिलिक को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यस सर, ये आपका NH2 ग्रुप, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये रहा आपका साइड चेन, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल और एराइल, साइड चेन, चाहे एराइल होगा लेकिन इसको हम बोलेंगे साइड चेन, और ये भाई ये जो साइड चेन है ना साहब, ये क्या होता रहेगा बताइए, वेरी करेगा, क्या करेगा बताइए, करेगा, बदलता रहेगा, NH2 और COOH तो क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। एक बात बताओ आप लोग, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एमिनो एसिड, और साथ में एक और नाम रख देते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, कौन सा बताइए, अल्फा अमीनो एसिड। चलिए सुनिएगा, हम इसको अल्फा क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में बताइए, ये जो कार्बन देख रहे हो आप लोग, ये वाला कार्बन, यस सर, जस्ट बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, अल्फा कार्बन। अब बताइए इस अल्फा कार्बन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अमाइन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्फा एमिनो एसिड, कौन से पोजीशन पे अटैच है ये बताइए, अल्फा पोजीशन पे, तो हम इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड, क्लियर गाइस, चलिए आ जाइए, एमिनो एसिड का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये एमिनो एसिड्स क्यों इतना तबाही मचा रखे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एमिनो एसिड्स हैं, एंड एमिनो एसिड्स इज द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स दैट सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स, ये जो आप देख रहे हो ना कि प्रोटीन में जो मसल्स बनती है भाई, 10 लाख मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते 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 चले जाते हैं, तो ये आसानी से कंबाइन हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और एक बहुत बड़ी लंबी चेन बनाते हैं, जिससे कोई भी एक बिल्डिंग जैसे बात करो तो वैसे ही मसल्स बनती चली जाती है एक बिल्डिंग, और बताइए छोटे छोटे ईंट से कलेक्ट करके बनाते हो कि नहीं बनाते हो, यस सर, समझ रहे हो आप लोग, वैसे ही बड़ी मसल्स जो है बनाने के लिए आपको छोटे छोटे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, यानी अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, ये आसानी से बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेते हैं, तो उसके बेसिस पर ध्यान से सुनिएगा, हमने रखा हुआ है देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड्स है बताइए, 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, अब उनके स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि भाई अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप, और उसी कार्बन से क्या होगा अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा, और एक साइड चेन होगी जो वेरी करती जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड, अगर NH2 बीटा पोजीशन पे अटैच होता था उसको क्या बोलते बताइए, बीटा अमीनो एसिड, क्लियर गाइस, यस अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पे अगर NH2 जुड़ा होता तो इसको हम लोग बोल देते बीटा अमीनो एसिड, लेकिन खैर ठीक है इसको हमें नहीं देखना है, हम आगे बढ़ते हैं, तो गाइस इतना क्लियर हो गया क्या आप सबको, हेलो हेलो हेलो, यस सर, पक्का सबको, पक्का सर, अच्छा आप लोगों को अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से, यस सर, दिखाई दे रहा है, हाँ जी, सॉरी मैं उसको ध्यान नहीं दिया था, चैट मुझे पता नहीं चला, गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप, या दीपिका मैं बढ़िया हूँ, चलिए सो आगे बढ़ते हैं अमीनो एसिड की तरफ, अब देखिएगा यहाँ पे जो है, अब कितने अमीनो एसिड्स हैं उनकी हम बात करेंगे, कितने अमीनो एसिड्स हैं उनकी हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, एक ही है, टोटल अमीनो एसिड 7 दोस्त, कितने होते हैं बताइए,
कितने होते हैं बताइए टोटल अमीनो एसिड? 20। चलिए आ जाए, अब देखिएगा उसमें जो पहला नाम है वो क्या है? ग्लाइसिन। क्या नाम है बताइए? ग्लाइसिन। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी एल वाई चाहे जी से, कैपिटल जी, जी एल वाई चाहे जी से। और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है बताइए? पहला स्ट्रक्चर देखेंगे तो बताइए ग्लाइसिन में एक चीज बड़ी खास है, उसको आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बताइए ये साहब आपका क्या है? कार्बन है। क्या बताइए? कार्बन। और ये आपका कार्बोक्सिली, और ये रहा आपका NH2, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, और R की जगह क्या है बताइए इसमें? CH H H H। बताइए, देखिए कार्बोनिल ग्रुप COOH, देखिए ये देखिए COOH, बताइए ये क्या है आपका? CH2 CH2। और उसके बाद ये देखिए NH2, तो ये रहा आपका NH2। क्लियर हो गया गाइस? यस सर। अब बताइएगा कि भाई जो आपका यहाँ पे R था, R की जगह हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इस मॉलिक्यूल्स को? यस सर। चलिए, तो ये ग्लाइसिन जो है ये क्या है? नॉन इसेंशियल। क्या है बताइए? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। डन गाइस? क्लियर? चलिए, क्लियर सर। नॉन इसेंशियल इमिनो एसिड का मतलब क्या है कि भाई ये जो है ना ग्लाइसिन जो है ना, हम कुछ भी खाते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, ये बॉडी अपने आप, हमारी जो बॉडी है वो एमिनो एसिड बना लेती है, प्रोड्यूस कर लेती है। समझ गए आप लोग? यस सर। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती, तो हम उसको बाहर से खाते हैं। कहाँ से खाते हैं बताइए? बाहर से कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे भैया वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो बॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है, जो नहीं कर रही है, तो जो नहीं कर रही है वो एसेंशियल होगी, जो कर रही है वो एसेंशियल कैटेगरी में नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर जो सेकेंड देख रहे हो, ये पहले एक कॉमन स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आर, ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये रहा साहब NH2, और ये रहा आपका क्या हो गया बताइए? COOH। बताइए R की जगह हमने हाइड्रोजन रख दिया क्या? यस सर। तो ये ग्लाइसिन बन गया। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिएगा, R की जगह हम क्या रख रहे हैं बताइए? CH3। क्या रख रहे हैं बताइए दोस्तों? CH3। अब इसका क्या नाम हो गया, कोई बताएगा? देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे? एलानिन। क्या हो गया बताइए? ग्लाइसिन, फिर एलानिन। सुन रहे हो आप लोग? हेलो सर। तो ग्लाइसिन को जी से आप रिप्रेजेंट करोगे, एलानिन को फर्स्ट लेटर आप ले लीजिए, तो ए एल से, ए से रिप्रेजेंट करिए, चाहे एला ए एल ए होगा इसमें एलानिन। अब बताइएगा इसी में आपने कहा कि देखो सर सुनो, अब बताइएगा इसकी जगह आप क्या कर दो कि भैया आइसो ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दो। किसको ग्रुप से? आइसो। आर की जगह आप क्या कर रहे हो? देखिएगा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपका COOH, और ये क्या हो गया बताइए? NH2। आपने क्या कर दिया? CH, और इधर रख दिया आपने CH3, और इधर रख दिया आपने CH3। ठीक है गाइस, अब बताइएगा ध्यान से सुनिएगा कि ये अल्फा कार्बन से आपने क्या करा बताइए? अल्फा कार्बन से ये आर ग्रुप जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? इतना ये क्या है बताइए? इसको हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं क्या? यस सर। समझ गए, इसको आइसो भी बोल सकते हो, लेकिन इसका जो नाम आएगा ध्यान से सुनिएगा, आइसो ग्रुप जब आप एड करोगे तो उसको क्या बोलोगे बताइए? ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन। क्या बोलोगे इसको बताइए? वैलिन बोलेंगे। समझ गए? यस सर। और इसको आप वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर हुआ क्या कि भाई आर ग्रुप को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो? फोर्थ स्ट्रक्चर में देखिएगा, फोर्थ क्या है आपका यहाँ पर? ल्यूसीन। देख रहे हो आप लोग? बताइए इसमें आर की जगह आपने क्या रखा हुआ है? आर इक्वल्स टू क्या रखा हुआ है बताइए?
तो ये रखा हुआ है, देखो सर ये CH2 और ये रहा आपका CH3 और ये भी क्या हो गया आपका CH3, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ये रहा साहब आपका NH2 और ये COOH। क्लियर गाइस, बताइए R की जगह आपने ये रख दिया कि नहीं रख दिया? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे बताइए? आइसोल्यूसीन। क्या बोलेंगे बताइए? आइसो आइसोल्यूसीन। क्लियर गाइस, क्या बोलेंगे बताइए? आइसोल्यूसीन। क्लियर, ये कौन सा एमिनो एसिड है? आइसोल्यूसीन एमिनो एसिड। अब आइए पांचवे स्ट्रक्चर पे आ जाइए, ये आपका डन हो गया। देखिए जितने स्टार लगे हुए हैं, सर ऊपर वाला तो ल्यूसीन ही था सिंपल। अच्छा 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 हमने मिक्स कर दिया क्या? फोर्थ स्ट्रक्चर था CH2CHCH3। CH ये तो आपका वैलिन था और फोर्थ वाला जो है आप देखिएगा CH2CH। यस यस यस, क्या ये बताइए ल्यूसीन है ये? क्या सिर्फ नेम गलत लिखा था? हाँ हाँ, मैंने नेम बस गलत लिख दिया था। ये कौन सा है बताइए आपका? ल्यूसीन। ठीक है, ये आपका होगा LUCI ल्यूसीन। अब फिफ्थ में आप देखोगे, फिफ्थ वाले को आप देख लीजिएगा, आप लोग ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे, इसकी जगह ना क्या आ जाएगा, एक और प्लस CH3 ऐड हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर? क्लियर गाइस? यस सर। ये जितने भी स्टार लगाए हुए हैं वो सारे के सारे क्या है आपके? एसेंशियल है। क्या है बताइए? एसेंशियल। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा फेनाइल एलानिन। बताइए फेनाइल एलानिन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है, देखिए एलानिन दिख रहा है ये वाला सेकेंड स्ट्रक्चर आपको, सेकेंड स्ट्रक्चर, इसमें ही बस क्या हो जाएगा, एक फेनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग आपकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बताइए क्या हो गया, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपका NH2COOH और बताइए इसको CH2 कर दोगे और एक हाइड्रोजन इधर लिखोगे, क्या हो जाएगा बताइए? एलानिन होगा कि नहीं होगा? सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए। यस सर। लेकिन इसी एक हाइड्रोजन को हटा करके आप क्या कर दो, बेंजीन रिंग। बताइए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन। ग्रेट गाइस, इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, COH, और ये कौन सा है, अल्फा कार्बन, और इसे क्या अटैच्ड है बताइए, NH। ये जो फाइव मेंबर की रिंग बना रही है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, प्रोलीन। ठीक है, तो ये पूरा एमिनो एसिड का नाम क्या हो गया बताइए, प्रोलीन। ठीक है गाइस, स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग? यस सर। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब एट्थ एमिनो एसिड देखिए, इससे पहले सारे के सारे देख रहे हो, 5, 6, 7 तक सारे के सारे जो एमिनो एसिड्स है ये क्या है, ये नॉन पोलर एमिनो एसिड्स। क्या है बताइए? नॉन पोलर एमिनो एसिड्स। क्योंकि ये जो चेन हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो किस नेचर में होती है, पोलर की नॉन पोलर? हाइड्रोकार्बन चेन पोलर होता है क्या? यस नहीं दोस्त, CH3 CH2 CH2, क्या ये पोलर होता है? नहीं, ये पोलर नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स है। अब यहाँ पे देखिएगा, एमिनो एसिड विद पोलर बट न्यूट्रल साइड चेन, पोलर तो होंगे लेकिन कैसा होगा बताइए, न्यूट्रल साइड चेन। क्लियर? यस आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, ये ट्रिप्टोफैन है, क्या ये बताइए, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में TRP से रिप्रेजेंट करते हैं, ये W देखिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा अजीब है, हुआ क्या? देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये स्ट्रक्चर देखोगे, ये रहा कार्बन, ये COOH, यहाँ पर NH2, ठीक है, और ये हो गया आपका CH2, और फिर आगे आप देखोगे तो ये रहा कौन सा आपका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा,
तो वो निकल के आने वाला है। यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच, और ये सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन। क्या ये 5 मेंबर रिंग बना रही है, और इससे सटे हुए क्या है आपका बताइए? बेंजीन। यही स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। तो ये आपका एसेंशियल ट्रिप्टोफैन है। सेरीन में देखिएगा, सेकेंड स्ट्रक्चर आप सेरीन का देख रहे हो, कुछ नहीं है भाई। एलानिन में आपने क्या किया हुआ बताइए, एक हाइड्रोजन को हटा करके। एलानिन यही है ना, CH2H, और ये क्या हो गया यहाँ पर आपका NH2, ये हाइड्रोजन और ये COOH। बताइए क्या ये एलानिन है? यस सर। एलानिन में से आपने एच को हटा करके क्या रख दिया यहाँ पर, ओ एच रख ओएच। दिया, तो कौन सा एमिनो एसिड बन गया बताइए? सेरीन। क्लियर गाइस, कौन सा एमिनो यस एसिड? सर। सेरिन। अब बताइए यहाँ पे ग्लाइसिन को आपने क्या कर दिया? ग्लाइसिन में से ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपने क्या ऐड कर दिया, इतना ऐड किया है कि नहीं ऐड किया है? चाहे यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, देखो आप, ठीक है। तो ये क्या हो यस गया सर। आपका थ्रियोनीन। इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करिएगा। टायरोसिन में आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, बेंजोइन फिनॉल आपने ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है बताइए? क्लियर फिनोल। गाइस, यस सर। यहाँ पे देखिएगा साइटोसिन में सिस्टीन, सॉरी साइटोसिन नहीं है, सिस्टीन में आप देखोगे ये CH2 है, यहाँ से यहाँ आपने क्या रखा था बताइए? OH रखा था यहाँ पर, यस सर। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, एस एच से एस रिप्लेट कर दिया, इससे रिप्लेट कर दिया बताइए, एस अच्छा। एस एच से, थायोन ग्रुप इसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, सिस्टीन बन गया है। मिथियोनीन में आपने क्या कर दिया है बताइए, कि इसी में आपने इतना ग्रुप ऐड कर दिया है अल्फा कार्बन से, आर ग्रुप है कि नहीं ये साइड चेन, तो ये अगर आपने आर ग्रुप में ये डाल दिया तो आप देखिएगा कि ऐसा कुछ कहानी बन जाएगी, समझ गए? और इनका अलग अलग नाम निकलता हुआ जाएगा। क्लियर गाइस, एक बार स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आ जाइए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एमिनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन। कुछ एमिनो एसिड्स कैसे होते हैं बताइए, एसिडिक इन नेचर, कैसे होते हैं वो एसिडिक इन? तो एसिडिक उसमें पहला एमिनो एसिड यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड, क्या नाम है इसका बताइए? एस्पार्टिक एसिड। दूसरा एसिड जो है वो क्या है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ASP, और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे देखिएगा बताइए, अगर एसिटिक एसिड सॉरी अगर वो एसिडिक साइड चेन की बात करता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो एमिनो एसिड होगा विद साइड, बताइए यहाँ पर दो एमिनो एसिड सॉरी दो कार्बोक्सिल ग्रुप है कि नहीं, कैसा यस सर। ये काम करेगा एसिडिक इन नेचर? यस सर। ये देखिए इसकी साइड चेन को क्या बोलोगे बताइए, ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? क्योंकि एसिडिक। COOH ग्रुप है एसिडिक, और यहाँ पे देखिए जो दो OH ग्रुप है मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये एसिडिक एमिनो एसिड की तरह बिहेव करने वाला है। यहाँ पे देखिएगा अमीनो एसिड विद बेसिक साइड चेन, बेसिक का मतलब कि साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, NH2, क्या होना चाहिए बताइए? NH2 इसके पास लोन पेयर की वजह से ये कैसा काम करेगा, बेस, बेसिक। देखिए ये दोनों एसिड बेस है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जब एक्स्ट्रा जो चीज होगी तो बताइए ये बेसिक की तरह काम करने वाले हैं। तो ये लाइसीन जो है, ये इनका जो लाइसीन या आर्जिनिन या फिर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में देखिए ये एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर दे देगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे देगा, तो कैसा काम करने वाला है बताइए? ये बेसिक एसिड बेस की बेसिक, आप तरह। बेसिक एमिनो एसिड बोल सकते हो, चाहे ये जो एमिनो एसिड है इनकी जो साइड चेन है वो कैसा नेचर में है, बेसिक बेसिक नेचर। नेचर। आप लोग सुन रहे हो? हेलो हेलो हेलो, यस सर। सब सुन रहे हो सबके सब? यस सर। चलो सब बढ़िया है, ग्रेट। अब हम बात करते हैं कुछ और इसेंशियल एमिनो एसिड्स, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, कौन कौन से बताइए? वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, यस फेनाइल सर। एलानिन,
बस आर ग्रुप एक बार फिक्स करके इसके स्ट्रक्चर्स कुछ ड्रॉ कर लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा। ये देखिए 3OE, ठीक है, आ जाइए। देखिए कुछ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, तो देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब हुआ कि भाई देखिए नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है, आप मान लीजिए कुछ भी खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताइए, आप कुछ कुछ भी खा रहे भी हो और आपके बॉडी को कौन से एसिड की जरूरत है, ग्लूटामिक ग्लूटामिक एसिड एसिड। एसिड की, लेकिन आप खा रहे हो, इधर देखिएगा आप ल्यूसीन खा रहे हो, चाहे कोई भी फूड खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताइए, कोई भी फूड खा रहे फूड हो, बॉडी इस फूड में से क्या बना ले रही है बताइए, ग्लूटामिक ग्लूटामिनो एसिड, एसिड। समझ गए, आप कोई भी चीज खा रहे हो आपकी बॉडी ग्लूटामिक एसिड बना ले रही है, तो उसको आपको स्पेशली खाने की जरूरत नहीं नहीं। है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आपको आपको क्या चाहिए, ल्यूसीन चाहिए, क्या चाहिए बताइए, ल्यूसीन एमिनो एसिड की जरूरत है, लेकिन यहाँ से आप कुछ भी खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताइए, कुछ भी कुछ खा रहे भी हो, लेकिन सॉरी आपकी बॉडी ल्यूसीन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी जो है ना ग्लूटामिक एसिड तो प्रोड्यूस कर लेती है, बना लेती है, लेकिन ल्यूसीन बना नहीं बनाती है, नहीं नहीं बना बना पाती, कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन कुछ में क्या होना चाहिए, ल्यूसीन, समझ चाहिए। गए, यहाँ पे कुछ खा रहे हो लेकिन जो चाहिए वो नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बना ले रही है, लेकिन जितने भी इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, नहीं बना पाती, लेकिन नॉन इसेंशियल की इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी बना लेती है, इसके बेसिस पर हम बात करते हैं। डन गाइस, क्लियर, यस चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्विटर आयन की, किसकी बात करेंगे, ज्विटर आयन ऑफ एमिनो एसिड, सर, एमिनो एसिड की बात करेंगे, बेसिकली हमारे पास एक आध पेज खाली होगा फिर हम बात करेंगे ज्विटर आयन का मतलब क्या है वो आप समझिएगा। मैं ये कहूँ दोस्त कि भाई आपके पास एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सबको पता है कि भाई ये रहा सर, देखो कार्बन है, इससे क्या टेस्ट है बताइए, एच यहाँ पे सी क्या टेस्ट है एनएच टू और यहाँ पे क्या होगा, सी ओ एच। डन गाइस, सब लोग सुन रहे हो क्या, हेलो, यस सर ये देखिएगा, और इधर आपका आर ग्रुप है जो बदलता जाए, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। यस सर, बदलेगा। अच्छा आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो रही है क्या, मैं कम कर रहा हूँ तो नहीं होगी, नो नो सर, सर, हाँ उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो स्क्रीन उतना ही शेयर करेगा। वो क्या रहा है कि देखिएगा, अब ज्विटर आयन का मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहूं कि ये जो NH2 ग्रुप है कौन सा, ये वाला, इस NH2 को मैं क्या कर दूं, इधर लिख दूं तो चलेगा ना, यस यस सर, सर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर आपका आर ग्रुप है, ऊपर नीचे तो आप कहीं भी लिख सकते हो इसको, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन। हमने कहा कि देखो सर सुनो आप ध्यान से, हम बताइए अगर ये अपना एच प्लस दे देगा तो अच्छा कैसा काम इसको जानते हो करेगा, कौन है? हेलो हेलो, चलिए अब बताइए अगर ये एच प्लस दे देगा तो कैसा काम करेगा बताइए, कार्बोक्सिली ग्रुप, यस अगर एसिड। ये लोन पेयर किसी को दे दे तो कैसा काम करेगा बताइए, बेसिक बेस ये एसिडिक और ये आपका क्या हो गया, बेसिक हो बेसिक गया। हुआ क्या यहाँ पर कि अगर मैं ये कहूं कि सर देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि मैं अगर देखिए इधर देखिए और इधर दोनों तरफ जाता हूं, ये एसिडिक बेसिक फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए, मैं क्या करता हूं कि भैया यहाँ पर कौन सा पीएच है बताइए, पी एच इक्वल्स टू 7, बताइए सेवन पूरा सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल ठीक है। एक और स्टोरी थी जो मुझे बताई देनी चाहिए थी आपको, देखिए ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका
आर ग्रुप, और यहाँ पर क्या था बताइए, नाइट्रोजन एंड एच टू, और इधर कौन सा है बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिडिक नेचर होता है, ये क्या कर देता है, ये माइनस इधर आता है, ये अपना एच प्लस दे देता है, और एच प्लस देने के बाद जानते हो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये बेस ग्रुप है कि नहीं, बेसिक ग्रुप, और ये एसिडिक, yes, ये एच प्लस कहाँ आके चिपक जाता है, एन एन के साथ, क्लियर गाइस। अब आप लोग बताओ कि इसी मॉलिक्यूल्स में देखिएगा क्या एक ही मॉलिक्यूल्स में आपको दो चार्ज दिखेंगे एक ही साथ में, नेगेटिव चार्ज भी, और यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा आयंस, ऐसा एमिनो एसिड जिस पीएच पर, क्या जिस पीएच पर वो पॉजिटिव आयन भी कंसिस्ट करे और क्या करे बताइए, नेगेटिव आयन भी। तो जो आयंस में क्या होगा बताइए, कैट आयन प्लस एनायन एट द सेम टाइम। ऐसे को क्या बोलोगे आप लोग बताइए, ज्विटर आयन। क्लियर गाइस, क्लियर सर। अब बताइए जिस पीएच पर आपका ज्विटर आयन फॉर्म करेगा, जिस पीएच पर आपका ज्विटर आयन फॉर्म करेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो आगे देख लेंगे फटाफट, चलिए आ जाएंगे। अब एक बात बताइए, मैं ये कहता हूं कि सर इधर 7 पीएच, इतना क्लियर हो गया, अब आगे आ जाइए ऊपर स्क्रीन पे, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो हेलो। देखिए अगर मेरा पीएच इधर इक्वल टू मैं 7 मान लेता हूं, तो अगर मैं किधर जाऊंगा, लेफ्ट साइड किधर जाऊंगा बताइए, लेफ्ट साइड, पीएच क्या होगा आपका 6, डिक्रीज 5, 4, 3, 2, 1, बताइए कैसा होगा, पीएच लो होने का मतलब एसिडिक होगा, एसिडिक कि हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में, एच प्लस इधर बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं बताइए, एच पॉजिटिव की, सुन रहे हो क्या सबके सब, क्या कर रहे हैं बताइए, एच पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं। आपका पीएच इक्वल था बताइए, जब पीएच बहुत कम था तो ये किस फॉर्म में होगा, ज्विटर आयन फॉर्म में होगा, ये एसिडिक है और ये एच प्लस इसको दे देगा, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बताइए, ज्विटर आयन की फॉर्म में, जब ना हाईली बेसिक है ना हाईली एसिडिक है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो देख रहे हो ना, बताइए क्या कि अब आप क्या कर रहे हो, एसिड क्या कर रहे हो बताइए, एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हो, एसिडिक का मतलब कि सर उसमें क्या, सर उसमें एच प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा सर, समझ गए, एच प्लस होगा, तो बताइए ये ज्विटर आयन कैसा काम कर रहा है, अगर एसिड बढ़ाओगे तो एच प्लस बढ़ाओगे, यस, अब बताइए एच प्लस अगर बढ़ाओगे तो ये जो एच प्लस है इससे कंबाइन कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा, साथ में इसे तो कंबाइन कर ही लेगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, COOH में, यस सर। अब ध्यान से सुनो कि भाई ये जो NH2 इसको क्या कर लो बताइए, NH2 इसके पास लोन पेयर जैसी कहानी होगी कि नहीं होगी, यस सर, कैसा काम कर रहा है बताओ, ये बेस की तरह, और अब पीएच लो कर रहे हो, एसिडिक कंडीशन ला रहे हो, तो ये बेस और एसिड रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कितने लोग समझ गए, यस सर, यस सर, करेगा, तो ये लोन पेयर इसको दे करके NH2 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, NH3, समझ गए ना, तो यस सर, लो पीएच पर किस पे बताइए, लो पीएच पर क्या होगा, ये कैसा काम करेगा बताइए, एज अ केटायन, कैसा काम करेगा बताइए, केटायन की तरह, एज अ केटायंस में, ठीक है, और ये बताइएगा कि पहले ये NH2 के फॉर्म में था, किसमें था बताइए, इसमें NH2 के फॉर्म में, अब ये NH3 आसानी से H प्लस अपना डोनेट कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा, तो अब ये भी कैसा काम कर रहा है, एसिडिक की तरह,
एसिडिक की तरह, और एक ही चार्ज इस पे काम करेगा दोस्त, कौन सा चार्ज होगा? कैटायन, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया सबको? यस सबको यस सर। बताओ इसको ना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लिया करो कि भैया ये सी है और ये रहा आपका NH2 और ये COOH और ये रहा आपका H और इधर हो गया है R। अब बताइए आप क्या कर रहे हो, बताओ ये कैसा काम कर रहा है? ये वाला NH2 बेस की तरह, यस सर, और ये वाला एसिड की तरह। अब इसको यही मान लो कि यही स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए, दोनों एक ही है। अब बताइए आप क्या कर रहे हो? सर पीएच वैल्यू बढ़ा रहे हो, सेवन से क्या कर रहे हो? एट कर रहे हो, एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और फिर करते करते आप कहाँ जा रहे हो? फोर्टीन की तरफ। बताओ कैसा सॉल्यूशन हो रहा है, बताइए। बेसिक सॉल्यूशन। अब बताइए इसके अंदर जो है एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, कम होगी, समझ गए? तो अब बताओ यहाँ पे सिचुएशन क्या होने वाली है कि सर देखो ये जो NH3 है, जो ज्विटर आयन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या करेगा, कैसा काम करेगा बताइए? बेसिक सॉल्यूशंस की तरफ। तो बताइए इसके अंदर बेस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है बताइए? बेस बढ़ रहा है, बेस कम हो रहा है, और जो ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो इसकी बढ़ रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो NH3 दे रहा है ना, ये अपना इसको दे देगा, क्या कर देगा बताइए? H प्लस इसको दे देगा, और ये किसमें कन्वर्ट, सॉरी 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 NH नहीं, ये जो H प्लस है ये कैसा काम करेगा बताइए? इसकी वजह से एसिडिक नेचर की तरह, एसिडिक नेचर की तरह काम करेगा, जो कि जैसे ही आप क्या करोगे इसका पीएच बढ़ाते जाओगे 11 12 तो बेसिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताइए? बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिएगा ये NH3 कैसा काम कर रहा है, एसिड की तरह। सुन रहे हो सब लोग? यस सर, जी सर। बताइए 7 से 8 9 10 11 12 13 14 तक जैसे जाओगे तो अब बेसिक सॉल्यूशन, अब बेस ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो? बेस यानी OH। तो अब ये क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन NH3 का एक हाइड्रोजन और ये OH माइनस लेकर के क्या निकाल देगा? वाटर। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? NH2 में। लेकिन बताइए ये जो COO ज्विटर आयन में COO माइनस है, ये कैसा काम कर रहा है, बेस की तरह? ये लोन पेयर की वजह से कैसा काम कर रहा है? बेस की तरह, बेस की तरह। बताओ क्या बेस से बेस रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। तो बताइए ये COO माइनस की तरह ही रह जाएगा एज इट इज, और ये भी NH2 बेस की तरह। तो बताइए कौन से हाई पीएच पर कौन से आयन में एग्जिस्ट करने वाला है? एनायन में, एनायन। लो पीएच पर कैटायन और हाई पीएच पर एनायन, एनायन। बताओ अगर आपने पीएच लो कर दिया तो देखो सर आप क्या बोल रहे हो, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज में एग्जिस्ट कर रहा है, पीएच हाई कर दिया नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया सर? एक ऐसा पीएच होगा, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा पीएच होगा जिस पर ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है बताइए? कैटायन प्लस एनायन में। उस पीएच को क्या बोलोगे आप लोग? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बताइए कैटायन प्लस एनायन, पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्या एग्जिस्ट कर रहा है बताइए? नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं, और जिस चार्ज पर, सॉरी जिस पीएच पर, पीएच बदल रहे हो तो कैटायन एनायन हो रहा है, चार्ज बदल रहा है, जिस पीएच पर ये दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े। यस सर, चलिए आगे। ज्विटर आयन आपने देख लिया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड इज द पॉइंट एट विच एमिनो एसिड हैज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या बताइए? नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि भैया आपका मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल, न्यूट्रल। मॉलिक्यूल्स विल बी न्यूट्रल,
क्योंकि भाई नेट चार्ज उसका जीरो, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया बताइए, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया। इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनी एमिनो एसिड बिकॉज एवरी एमिनो एसिड हैज एटलीस्ट टू एसिड बेस टाइट्रेबल ग्रुप। एसिड बेस का मतलब बताइए भाई NH2 ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब समझ में आ गया कि जिस पीएच पर वो न्यूट्रल एग्जिस्ट करेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। चलिए सो ग्रेट, इतना डन। और वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ज्विटर आयन में, बताइए ज्विटर आयन पर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो इज जीरो। आपने देखा ही है कि भाई ये रहा कार्बन, ये रहा आपका NH3+, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एक यूनिट नेगेटिव इधर हाइड्रोजन और इधर, तो बताइए एक यूनिट नेगेटिव और एक यूनिट पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया। डन गाइस, चलिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स बताइए। अगर कोई भी प्रोटीन जो है आपका फॉर्मेशन होता है, क्या होता है बताइए, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे होगा सर, वो बता दो आप। तो चलिए आ जाइए, प्रोटीन का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड, पांचवा एमिनो एसिड, एक दूसरे से करते करते ऐसे कंबाइन होते होते चले जाएंगे। देखिएगा क्या स्ट्रक्चर हो रहा है सर, यहाँ पे देखिए एक एमिनो एसिड, ये एक और ए का मतलब क्या हुआ बताइए, अमीनो एसिड, क्लियर गाइस, ए का मतलब अमीनो एसिड, बताइए ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये किससे जुड़ रहा है, पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज बोल सकते हो इसको आप लोग, बताइए ये क्या है आपका, अमाइड, अमाइड या फिर आप इसको बोल सकते हो इस लेस में पेप्टाइड लिंक। चलिए आ जाए, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो सर एक एमाइड लिंकेज बना लो चाहे पेप्टाइड लिंकेज बना लो, कोई एक चीज बना के दिखाओ कैसे बनता है। तो भैया यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है, एमिनो एसिड मैं ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ बताइए, एमिनो एसिड, ठीक है। तो अब बताइए एक एमिनो एसिड मैं कौन सा लेता हूँ, देखो सर मेरे पास जो है ना ये कार्बन है, ये आर है, और इधर आप देखो सर ध्यान से सुनो सर, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और इधर क्या हो गया बताइए, नाइट्रोजन, और ये रहा NH2, और ये क्या मैंने रखा COOH. हुआ है बताइए। डन गाइस, क्लियर, बताइए एमिनो एसिड है कि नहीं, ये ए ए, यस सर, एक और एमिनो एसिड जोड़ दो भाई इसमें, ये रहा देखो H2, ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ऐसे ना करके इसको H लिख देते हैं, और ये थोड़ा पास में कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगे, ये NH और ये कार्बन, और ये रहा आपका R, और ये रहा आपका H, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा बताइए कितने एमिनो एसिड, ये भी ए ए एमिनो एसिड हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, एक और एमिनो एसिड लिख लो भाई, बताइएगा देखिएगा यहाँ पर, ये रहा सर हाइड्रोजन, ये रहा आपका NH, ये आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये रहा R, और ये रहा आपका COOH। हेलो हेलो, सुन रहे हो आप लोग, यस सर, चलिए बढ़िया, सुनते रहिए थोड़ा एक्टिव रहिए। देखिए ए ए, ये भी क्या है आपका ए ए, और यहाँ पर भी क्या है ए ए, एमिनो एसिड्स हैं, बताइएगा देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, बताइए कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है कि नहीं निकलता, निकलता है वाटर, तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, बताइए क्या यहाँ से ये दोनों मिलके क्या निकाल देंगे, H2O, वाटर मॉलिक्यूल,
ठीक है, अब इसका नीचे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके एमिनो एसिड का, तो देखिएगा क्या निकल के आएगा, H2N और ये रहा C, ये H, ये R और यहाँ पे आपका CO, इधर हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सीधा किससे जुड़ गया बताइए, अल्फा कार्बन से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? Yes, sir. मतलब सॉरी ये कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन से आपका नाइट्रोजन जुड़ गया, एक तो ये हो गया। फिर आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ये रहा CO, ठीक है, पूरा इसको अच्छे से अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि एक पेप्टाइड लिंकेज पे हाईलाइट हो जाए। ये रहा आपका NH और इधर हो गया है आपका, अब अगला कलर दूसरा चलिए आ जाएगा, NH हो गया और ये हो गया CH3R और ये COOH। क्लियर गाइस? एक बात बताइएगा कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि पेप्टाइड लिंकेज बताइए, क्या बताइए, क्या बताइए, ये पेप्टाइड लिंकेज है कि नहीं, एमाइड है? यस सर। एमाइड या क्या बोलेंगे इसको बताइए, पेप्टाइड लिंकेज बताइए। तीन एमिनो एसिड कंबाइन किए तो कितने पेप्टाइड लिंकेज बने, कोई बताएगा? दो। दो कितने पेप्टाइड? दो पेप्टाइड लिंकेज बनी, यानी कि अगर चार कंबाइन करेंगे तो कितनी बनेगी? तीन। तो बताइए क्या होगा पेप्टाइड लिंकेज, क्या पेप्टाइड लिंकेज जो है वो क्या हो जाएगा? N माइनस वन। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि N है तो कितना बनेगा पेप्टाइड लिंकेज, N माइनस वन। जितना एमिनो एसिड उससे एक कम पेप्टाइड लिंकेज आपकी बनने वाली है, तो यहाँ पर दो पेप्टाइड लिंकेज बन गई और यही फिर आगे क्या होगा, ऐसे ही चेन चलता जाएगा, एमिनो एसिड अलग अलग एमिनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है, एलानिन गैलानिन जो भी है वो कंबाइन होके चलता हुआ चला जाएगा। तो आई होप कि पेप्टाइड क्लियर हो गया आप लोगों को, कौन सी बॉन्ड बनती है बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो बोली यस सर समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया। यस सर एक चीज और बताऊं यहाँ पर। यस सर सुनो आप लोग, देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो सर ये एक पॉली एक एमाइड की सॉरी एक क्या ये प्रोटीन की चेन जा रही है और मैं बोल देता हूँ कि नीचे भी एक क्या जा रही है प्रोटीन की चेन। सब जने सुन रहे हो आप लोग? देखिएगा यहाँ पे देखिए एक बड़ा कमाल की चीज है, कौन से कलर से लिखूं, कौन से कलर से जो जमे रेड 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 तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, लिमिटेड ऑप्शन है अपने पास, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ बताइए, ये इसके पास आप देख रहे हो कुछ कहानी, ये वाला कार्बोनिल ग्रीन से कलर कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? ग्रीन। इस पे कौन सा होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव? Yes, sir. Yes, sir. बताइए दूसरी चेन है ये नाइट्रोजन, देख रहे हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन? Yes, sir. इसको मैं अगर एक्सपेंड कर दूं जो हाइड्रोजन वहां पे लिखा हुआ है तो बताइए इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। आएगा। बताओ इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और ये दोनों चेन एक दूसरे को होल्ड किए हुए होते, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझाना था, बस बात खत्म। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि दो अगर एमिनो एसिड की चेन जा रही है ना, प्रोटीन की चेन जा रही है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगने वाला है बताइए? वैन डेर वाल्स तो लग ही जाएगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी। क्लियर सर? हाँ बोलिए। हेलो सुन रहे हो आप सब लोग? यस सर। तो डन गाइस, आपको समझ में आ गया, अब थोड़ी धमाका कर लेते हैं। बताइए ये पहला वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो क्या? यस सर। कितनी पेप्टाइड लिंकेज है ये देखिएगा। एक चीज और, जो NH2 ग्रुप है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं बताइए?
एन टर्मिनल। और बताइए इसको क्या बोलोगे, कार्बन है कि नहीं, यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक का इससे जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? सी टर्मिनल। सी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और एन का मतलब नाइट्रोजन टर्मिनल, नाइट्रोजन वाला एंड की बात कर रहे हैं। कोई बताएगा इसमें कितनी पेप्टाइड लिंकेज है? थ्री। सच में कितने बताइए? एक ये कार्बोनिल और नाइट्रोजन अटैच है, एक पेप्टाइड लिंकेज बताइए, एक कौन सी होगी? ये दूसरी। और एक कौन सी होगी बताइए? ये वाली तीसरी। टोटल कितनी पेप्टाइड लिंकेज हो गई? थ्री। पक्का सर? पक्का। बताइए इसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज है? किस वाली में? ये वाले में बताइए। टू है इसमें, टू। कितने बताइए? एमाइड लिंकेज चेक करोगे बताइए, कार्बोनिल और नाइट्रोजन एमाइड। देखिए कार्बोनिल और नाइट्रोजन, दो एमाइड पेप्टाइड। आ जाइए अब इधर वाले स्ट्रक्चर में, कोई बताएगा मुझे? सर ऊपर वाले की नीचे वाले में, बड़े वाले जो सबसे बड़ा है ना, यहाँ पे धमाका कर रहा है, इसमें बताइए, चेक करो आप लोग। कितने? एट। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये वाला? मेरे को तो पांच सात दिख रहे हैं। यस सर। ये कितना होगा? सेकंड वाला। ये क्या होगा? थर्ड वाला। ये फोर। और ये फाइव। ये वाला फाइव। और ये सिक्स हो जाएगा, और एक सेवन लास्ट में। सेवन। ये सेवन। बताइए इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं? एक, सात, दो, चार, पांच, छः, सात, आठ अमीनो एसिड है। ऊपर भी है सर, वो भी रह गया नीचे। ऊपर रह गया, ऊपर रह गया, नीचे रह गया, नीचे एक एक और है क्या कहीं? हाँ ब्लैक वाला नीचे के साथ वाले में, इससे इधर ये वाला नहीं, इससे ऊपर वाला, ऊपर इसके ऊपर। अरे देखिए अमीनो एसिड जो है ना, सॉरी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा सर, तीसरे के साथ। ये वाला बोल रहे हो क्या? तीसरे और चौथे के बीच में, थर्ड के साथ, थर्ड और फोर्थ के बीच में। चलो मिटाता हूं मैं, एक सेकंड, मैं नहीं देख पा रहा, या तो लगा है। टोटल कितने अमीनो एसिड आपको मिल रहे हैं इसमें? आठ। कितने? आठ। आठ मिल रहे हैं। एक एस की बात कर रहे हो आप लोग? यस सर। एक तो ये, और एक कौन सा होगा बताइए? ये वाला। दो पेप्टाइड, एक कौन सा होगा बताइए? ये वाला। ये दो नहीं होगा, ये नीचे को दो नहीं हो गए, ये दो नहीं हो गए, ये क्लियर। ये पेप्टाइड होगा कि नहीं होगा? अमीनो एसिड। क्लियर गाइस, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। हेलो सर, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, टाइम हो गया ना? यस सर। नमस्कार सर, कैसे सर आप? बढ़िया बढ़िया सर। आपकी क्लास थी यहाँ पर? सर आप होस्ट बनाए तो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब आपने रिक्लेम किया ना होस्ट? हाँ हाँ, तो यहाँ से जो स्क्रीन शेयर किया हुआ था वो अपने आप डिस्टर्ब हो गया। अच्छा
वेट अ मिनट सर, एक दो मिनट दे दीजिए आप। कोई बात नहीं सर, करिए। हाँ आपको बनाना पड़ेगा होस्ट। हाँ हाँ होस्ट बनाना पड़ेगा ना सर, एक सेकंड एक। कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ हाँ तो सर, सर आपकी फिजिक्स में क्लास नहीं है क्या? जेई में है सर, नीट में नहीं है। ठीक है, सॉरी सर सर। अच्छा तो सर हेलो, देखिएगा ये क्या होगा कि भाई ये एक अमीनो एसिड बनने वाला है आपका, ये पेप्टाइड, और एक ये है और एक ये। क्लियर? टोटल कितने पेप्टाइड बने? एट, आठ बने। आपने इकट्ठा जोड़ दिया है। फाइव सिक्स सेवन, सिर एट है ना, आपने ना इकट्ठा जोड़ दिया नीचे। वो जो बड़ा वाला है ना एक, उसमें दो है, आपने वो पूरा ही कर दिया। एक दो, थर्ड वाला की बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो आप लोग? नहीं सर, इसके पीछे वाले की। इसके पीछे वाला, इसमें हाँ जी जैसे दो है, दो है इसमें, एक नीचे और एक ऊपर है। ये इसकी बात कर रहे हो आप लोग? यस सर। पर ये बॉन्ड कहाँ बना रहा है? NH2 से कहाँ जुड़ा हुआ है? कहीं इससे कहीं नाइट्रोजन और ये कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है ऐसे, तब तो आप बोलते ना कि ये पेप्टाइड है। सर ऊपर को नहीं जुड़े हैं, कार्बन नहीं है बीच में। ये कहाँ जुड़ा हुआ है बताइए? ये तो NH2 है ना, अगर जुड़ा होता तो क्या NH होता कि नहीं होता, ऐसे बताइए आप लोग। यस ये तो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, कुछ ग्रुप में एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, चाहे इसकी साइड चेन निकल के आ रही थी, तो इसलिए ये क्या है आपका बताइए? ये पेप्टाइड नहीं है, समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ तो टोटल कितने हो जाएंगे? सेवन, और टोटल आठ एमिनो एसिड है, तो साठ तो बनने ही वाला है। चलिए आगे, एक इसमें बताइए कितने पेप्टाइड है इसमें? एक, दो है इसमें। हाँ दो दिख रहा है आपको बताइए? एक ये, एक ये, एक ही है ना, इसको आप पेप्टाइड में मतलब, ये तो इंडिपेंडेंट है, NH2 ग्रुप है। क्लियर? कितने अमीनो एसिड, कितने पेप्टाइड? एक, एक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ा बहुत विटामिन भी हम लोग पढ़ लेंगे और वेस्टर्न प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। चलिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए अच्छे से आप लोग। बाय सर। MTD लिंक। हाँ हाँ मैं अब ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप में, चलेगा ना सबको? यस सर। ठीक है, ओके बाय बाय सर। बाय बाय बाय।